जय श्री राम स्टूडेंट्स, स्टार्ट। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इसके पहले हमने जाइलम को समझ लिया था। अब डिस्कस क्या करना है, हमें फ्लोएम को डिस्कस करना है। तो आपके सामने यहाँ पर फ्लोएम की डिफरेंट सेल्स की इमेजेस अवेलेबल है, जो बता रही है कि फ्लोएम सेल एक्चुअल में क्या है, फ्लोएम टिश्यू एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर आपको फ्लोएम की सेल्स दिखाई दे रही है, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। चलिए, ओके तो यहाँ पर आपको फ्लोएम की सेल दिखाई दे रही होगी, कंपेनियन सेल। ओके, फर्स्ट जो सेल होगी वो कौन सी होगी इसकी, वैसे तो हम पहले लिख देते सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके, कंपेनियन सेल, आपको थोड़ा सा इसमें वेरिएशन मिलेगा, कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर जिसको कहते हैं, जाइलम फाइबर को वुड कहेंगे, ठीक है। तो वो हमको बाद में देखना है, इसलिए मैंने बताया था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अर्पिता, स्टूडेंट आएंगे उन स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलिए आगे बात करते हैं। फ्लोएम जो है ये एक टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट चुके हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लोएम जो है फोर डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, सीव ट्यूब एलिमेंट विथ सीव प्लेट, ओके, विथ सीव एरियाज, एरियाज इसमें रहेंगे, देन सेकेंड सेल विच इज कनेक्टेड विथ या जॉइंट विथ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा, अ पैरेन्काइमेटस सेल विच इज प्रेजेंट इन फ्लोएम, लास्ट सेल फ्लोएम फाइबर विच इज अ फाइबर इन फाइबरस इन नेचर। ओके, ये चारों सेल मिलकर के एक यूनिट बनाएंगे फ्लोएम की, फ्लोएम टिश्यू को ये फॉर्म करेंगे, फ्लोएम टिश्यू को बनाने का ये काम करेंगे। और जब ये मिल जाएंगे तो हमको ये यूनिट अवेलेबल होगी, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू की हम एक यूनिट देख रहे हैं, सिंगल यूनिट अभी देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टिश्यू और हमको इस तरह से। अगर आप डायग्राम को प्रॉपर देखें तो डायग्राम में हमें क्या क्या अवेलेबल, ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, दैट पार्ट, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक ग्रीनिश पार्ट विथ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कंपेनियन सेल, दिस ब्रॉड ब्लंट एंड दिस ब्रॉड सेल विथ ब्लंट एंड एंड विथ सीव प्लेट is known as what, and this plate is present at the periphery, present at the corner, is known as sieve tube, and यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ और भी स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें जिनके अंदर स्टोर क्या देंगे, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है, या इस तरीके से ना लिखते हैं, हम अपने मैनर में लिख लेते हैं। अगर स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रही तो वो क्या रहेंगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है बेटा जी। और आपको यहाँ पे जो सीव ट्यूब के जस्ट पास में एक फाइबर स्ट्रक्चर जो दिख, दैट एक्सप्लेन द व्हाट, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, ये चारों मिलकर के एक फ्लोएम टिश्यू बनाएंगे। फ्लोएम टिश्यू की एक सिंगल यूनिट हमें यहाँ पर एसोसिएटेड मैनर इसको समझ लिया, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सीव ट्यूब दिखाई दे रही, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी ब्रॉड सेल होती है, इस सीव ट्यूब में ब्लंट एंड्स होते हैं एंड द ब्लंट एंड कंसिस्ट प्लेट्स, सीव प्लेट्स दिखाई दे रही होगी, प्लेट की फॉर्म में सीव्स, छन्नी भी कह सकते हैं, एंड विथ सीव एरियाज इन देयर लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट, जिसके लॉन्जिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट से उसमें सीव एरियाज दिखाई दे रहे हैं, और इसी से कनेक्टेड होती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो होती है वो थोड़ी सी नैरो इलोंगेटेड सेल होती है, विथ न्यूक्लियस होगी,
ओके, इसमें आप देखेंगे तो जब मैच्योर हो जाती है ना सीव सेल्स, तो इनके इनमें न्यूक्लियस की तो वो जो कमी है उसको पूरी तरह से फुलफिल कंपेनियन सेल इससे जुड़ी हुई होती है वो करती है। इसके अलावा आपको दिख रहा है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जस्ट लाइक अ सर्कुलर पॉलीगोनल ओवुलर शेप का फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और जब ये चारों मिलेंगे तो एक यूनिट बनेगी। तो अब हम वन बाय वन इसे समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखें हमारा पहला टाइप ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है प्लांट में, बिकॉज प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड को कंडक्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल वो फ्लोएम है, एंड दिस फ्लोएम इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, दीज आर द फोर सेल। What are the cells? Sieve plates, yes, sieve tube element. Second is companion. Third is phloem parenchyma. And fourth one is phloem fiber. Okay, चलिए उसी को देखेंगे हम। Phloem transport food material usually from leaves to tracheids, है ना, other part of the plant. Tracheids क्या है? This is the special cell of xylem. ट्रैकेड और वेसल्स जो होते हैं वो वाटर को विथ मिनरल कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हें ट्रैकरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, कल हम समझ चुके थे। तो जो फूड है उसको कंडक्ट यहाँ पर जो है वो सीव ट्यूब कंपेंसेशन मिलकर करते हैं, और फूड जो किड्स तक पहुँचाने का काम करेंगे, और फिर प्लांट के अलग अलग पहुँचाने का काम करेंगे। एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें या फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो फोर टाइप के एलिमेंट से मिलकर के फ्लोएम बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। वेट अ मिनट, एंड व्हाट फ्लोएम फाइबर? ठीक है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में देखें जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ये सीव ट्यूब्स में आपको कमी दिखाई देगी, इसमें आपको सीव ट्यूब्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलेगी, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल मिलती। अब ये एल्ब्यूमिनस सेल क्या होती हैं, ये मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। ये जो सेल्स होती हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है बेटा जी। मेरी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें आप देखेंगे तो चारों सेल्स जो है वो फ्लोएम टिश्यू को बनाएंगे, लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को कंसिडर करें तो इनमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है वो नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ आपको सीव सेल ट्यूबुलम है ना, सिर्फ सेल्स अकेली प्रेजेंट होगी, ट्यूब एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होगी, और इसके साथ में एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होगी जिसे एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं। यही दोनों मेजर रोल प्ले करेगी फूड को कंडक्ट करने में, इन टेरिडोफाइट एज वेल एज इन जिम्नोस्पर्म। ओके, जो होते हैं अगर हम उनका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इनका स्ट्रक्चर क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीवारें होती हैं उनमें आपको परफोरेशन यानी छिद्र, छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, और इनके अगर हम ब्लंट एंड देखें तो वहाँ पे सीव प्लेट्स दिखाई देती हैं। ओके, तो इसमें आपको परफोरेटेड एंड वॉल यानी छेद वाली दीवारें मिलेगी, और साथ में उसे हम सीव प्लेट्स कहेंगे, ब्लंट एंड पर आपको इस तरह की क्या मिलेगी, बाउंड्री देखने को मिलेगी। समझ गए बेटा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? मैम बहुत लैगिंग हो रहा है बेटा, आप रुक जाइए, चलिए कुछ करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्मिता, वेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन प्लीज़ निराश मत होना, जाना भी मत, पढ़ना है हमको, ठीक है। क्या कहा है फिर से सुन लीजिए, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह सिर्फ सीव सेल्स होती हैं, और एल्ब्यूमिनस एक स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। ये दोनों मिलकर के टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या करेंगी, एक्टिविटी शो करेंगी। इसके अलावा अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक लॉन्ग
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो दीवारें हैं उसमें सीव मतलब कि उसमें छोटे छोटे पोर्स रहेंगे जिन्हें सीव एरिया कहेंगे, एंड इट्स एंड इज ब्लंट एंड द ब्लंट एंड कंसिस्ट अ सीव प्लेट विथ अ परफोरेटेड एंड वॉल। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब सीव ट्यूब मैच्योर होती है, हाँ तो लैकिंग की वजह से समझ नहीं आया, ठीक है फिर से बता देती हूँ। यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सीव, ये स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। आपने देख लिया सीव ट्यूब एलिमेंट, जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें पर्टिकुलर इस तरह के सीव प्लेट्स नहीं होते हैं, इस तरह की परफोरेटेड वॉल्स नहीं होती हैं, सिर्फ सीव सेल्स अकेले रहेंगी और उसके साथ में एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, एल्बुमिनस सेल रहेगी और ये मिल करके अपनी एक्टिविटी शो करेंगे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। सीव ट्यूब को अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो सीव ट्यूब एलिमेंट में आपको ब्लंट एंड मिलेंगे जहां पर आपको सीव प्लेट अवेलेबल होगी, ओके। इसके अलावा जो इसकी दीवारें होती है, इट्स वॉल शोइंग अ पोरोसिटी या पोर्स पाए जाएंगे, ओके। जब सीव ट्यूब एलिमेंट मैच्योर होता है तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो हो जाता है डिमनिश, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ये अपनी बाकी एक्टिविटी के लिए किस पर टोटली डिपेंड होगी, कंपेनियन सेल में, विच इज टाइटली अटैच विद सीव ट्यूब एलिमेंट। क्लियर, आप समझ आया कि नहीं आया बताइए प्लीज। अब मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ से तो कनेक्शन एक्सलेंट बता रहे हैं बेटा जी, क्लियर, वेरी गुड, मतलब अब प्रॉपर चल रहा है ना, तो ये तो एरर रहेगा ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताएगी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंपेनियन सेल और अदर, कंपेनियन सेल भी एक स्पेशल सेल होगी फ्लोएम की जो कि पैरेन्काइमेटस होगी, पैरेन्काइमेटस होगी और ये सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगी और इसका मेन काम क्या होता है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसके प्रेशर ग्रेडियंट को, एक दबाव बनता है, हम फिनोमेना देखेंगे उसे बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग, एक प्रोसेस होती है कैसे लीव से फूड जो है वो लोड होकर के प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाएगा, वो तरीका क्या होता है, वो मेथड जो होती है उसे फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग कहते हैं। तो उस दौरान एक प्रेशर क्रिएट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट में, तो उस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का जो एक्टिविटी मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल करती है, क्यों, क्योंकि ये सीव ट्यूब एलिमेंट से लगी होती है। इसके अलावा जो भी मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं उनके भी बाकी जो बची हुई एक्टिविटीज़ है वो भी कंपेनियन सेल करती है, और कंपेनियन सेल एक पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम मैच्योर सीव ट्यूब्स में देखें तो न्यूक्लियस मैच्योरिटी के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है, ओके। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा अपने आप में एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और इसका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना, जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो फ्लोएम की कौन सी सेल करेगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो भी अदर मटेरियल्स होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनको कहा जाता है, जो दूसरे और मटेरियल्स होते हैं वो भी फ्लोएम पैरेन्काइमा के थ्रू स्टोर्ड होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, मोनोकॉट्स में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने व्हीट एग्जांपल ले लिया, ठीक है, राइस मैंने एग्जांपल ले लिया है, ये सारे मोनोकोटिलेडनस प्लांट हैं, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होगी, मोस्ट ऑफ दी मोनोकोटिलेडनस प्लांट, ओके। फ्लोएम फाइबर को डिस्कस करें तो जहाँ भी फाइबर वर्ड आता है तो आपको याद रखना फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, इसके एंड टैपोर्ड होते हैं, हिंदी भाषा में बोलेंगे नुकीले होते हैं, ओके। इनके अंदर की कैविटी जो होती है वो होलो होती है, सेंट्रल ल्यूमेन एक
बीच में एक इसमें आपको क्या दिखाई देगा, ल्यूमेन दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा। फ्लोएम फाइबर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर आर स्क्लेरन काइमेटस, ये स्क्लेरन काइमा से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और यूजुअली ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। तो बेटा जी सेकेंडरी फ्लोएम क्या है सुन लीजिए, जब प्लांट की फर्स्ट ग्रोथ हो जाती है तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया ट्री है, पेड़ है, पेड़ में आप देखते हो उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ती जाती है, हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। जब वो प्लांट के फॉर्म में या हबी श्रब के फॉर्म में होता है तो वो जो ग्रोथ होगी उसके अंदर वो होती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान एक कैम्बियम स्ट्रिप का प्रेजेंस होगा और ये कैम्बियम जो होगी वो उस प्लांट को ट्री में कन्वर्ट कराएगी और कौन सी ग्रोथ शो करवाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। तो उस दौरान ये कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम जो प्राइमरी ग्रोथ वाले हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, उनके अंदर डिवीजन का पावर जो है वो दैट मीन्स बढ़ाएगी या डिवीजन का पावर उनके अंदर क्रिएट करेगी, जिससे कि प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम में और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट होंगे। तो जो फ्लोएम फाइबर होता है ये स्क्लेरन काइमेटस होता है और यूजुअली ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कमर्शियली अगर हम देखें तो ये फाइबर जो है बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जूट, फ्लैक्स, हैम्प, ये सारे जो हैं ये फाइबर्स होते हैं जो उपयोग में आते हैं। समझ गए बेटा जी सभी। अब आप बोलेंगे मैम बाकी प्राइमरी ग्रोथ में रहेंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, बट दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द फ्लोएम टिश्यू, ओके। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ बेटा, तो हम फिर से देख लेते हैं। जो पहला प्राइमरी फ्लोएम बनेगा उसमें सीड ट्यूब नैरो होगी तो उसे हम कहेंगे प्रोटो फ्लोएम। क्या कहेंगे उस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें फ्लोएम पहली बार बना है और सीड ट्यूब जो है वो नैरो है, ब्रॉड नहीं है, तो उस तरह के फ्लोएम को हम कहते हैं प्रोटो फ्लोएम। और लेटर में या बाद में जो फ्लोएम रहेगा जो मॉडिफाइड होगा और उसमें सीव ट्यूब का साइज़ जब बिगर होगा एज़ कम्पेयर टू प्री वन, तो ऐसे फ्लोएम को जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनेगा या बाद में मॉडिफाइड होगा उसे हम कहेंगे मेटा फ्लोएम। ऐसे हमने जाइलम में भी देखा था कि मेटा जाइलम एंड प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जब तक हम एनाटॉमिकल व्यू या हम एनाटॉमी नहीं देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये समझ नहीं आते हैं। पोजिशन है एंडार्क है या एंडार एक्सार्क है, ये भी हमें उसी टाइम पर समझ में आएगी। बट दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं और ये कंडीशंस हैं जो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी फ्लोएम वाली बात समझ में आ गई होगी कि फ्लोएम एक्चुअल में होते क्या है। हमने यहाँ पे फ्लोएम समझा कॉमनली, आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में समझा, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ वेरिएशंस देखे कि फ्लोएम जो है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, फ्लोएम में कौन सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये बाद में किस तरह के कोई एक्टिविटी शो करके इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ओके। तो ये हमारा डिस्कशन था फ्लोएम के लिए। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है टिश्यू के क्लासिफिकेशन, टिश्यू के टाइप। अब हम यही टिश्यू को देखेंगे सिस्टम के बेसिस पर। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको कहा था इन केस ऑफ प्लांट द टिश्यू सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, ओके। यहाँ पर आपको टिश्यू जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज या एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में मिलेंगे, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ओके। जबकि हम एनिमल में कंसिडर करें तो हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं या वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे किडनी का टिश्यू, हम बोलेंगे किडनी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है वो ऑर्गन लेवल पर बेस्ट है। जबकि प्लांट में आप कंसिडर करोगे तो प्लांट में जब हम एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की, तो उसमें आप टिश्यू सिस्टम या टिश्यू लेवल को देखते हैं कि वेल डेवलप्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है, ओके। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो टिश्यू सिस्टम होगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि आपको जो भी वेरिएशन दिखा है, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखा है, वो वेल डेवलप्ड टिश्यू लेवल पर है, ना कि सेलुलर लेवल पर और ना ही ऑर्गन लेवल पर। टिश्यू ही इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो सारे काम कर सकते हैं जो एक ऑर्गन को करना चाहिए।
तो टिश्यू के अंदर ही इतनी अच्छी एबिलिटी या एफिशिएंसी है कि वो ऑर्गन का ही काम कर रहे हैं। ओके, इसीलिए प्लांट में जब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही रिप्लाई देना है कि जो टिश्यू लेवल प्लांट का होता है वो वेल ऑर्गेनाइज और वेल डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू वॉट, एज़ कम्पेयर टू ऑर्गन। आप लीफ देख लीजिए, लीफ हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट होती है, बट एक्चुअल में उसमें मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं ना उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, बाकी और भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, वेस्कुलर स्ट्रैंड होती है, एपिडर्मिस होती है, देन स्टोमाटास होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करेगा? मीजोफिल टिश्यूज के क्लोरोप्लास्ट करेंगे। मतलब प्लांट में टिश्यू जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वही स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मॉर्फोलॉजिकली हम कह देते हैं कि लीफ ने किया है, पर एनाटॉमिकली हम समझेंगे अब कि एक्चुअल में वो मीजोफिल टिश्यूज या फिर वो टिश्यूज जो लीफ के अंदर पाए जाते हैं वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ओके, तो वही सिस्टम लेवल हमें अब कवर करना है, और उस टॉपिक को अगर समझना है तो हम कैसे उसको डिनोट करेंगे? द टिश्यू सिस्टम से, कि एक टिश्यू का सिस्टम प्लांट में स्टैब्लिश होता है या पाया जाता है, और ये जो टिश्यू सिस्टम है ये कैटेगराइज्ड है एपिडर्मल सिस्टम के बेसिस पर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बेसिस पर, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू के ये अपने खुद के सिस्टम बने हुए हैं। एक टिश्यू सिस्टम जो है वो एपिडर्मल होता है विच इज़ प्रेजेंट इन आउटसाइड, विच इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ये बोल सकते हैं, और एक जो टिश्यू सिस्टम है वो प्लांट को ग्राउंड या फिर फंडा बोल सकते हैं बेस प्रोवाइड कर रहा है, और एक वैस्कुलर फंक्शन या कंडक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे तीन टिश्यू सिस्टम, ऐसे तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम पूरे प्लांट में एक्टिविटीज करवाएंगे। ओके, तो लिखा हुआ देर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। विभिन्न प्रकार के, तीन प्रकार के बोल सकते हैं, तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम प्लांट में पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर और प्लांट में उनकी जो लोकेशन है उसके आधार पर, कैसा उनका स्ट्रक्चर है और प्लांट बॉडी में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बेसिस पर इन्हें कैटेगराइज किया है थ्री टाइप में। ओके, द फर्स्ट वन इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज ग्राउंड, एंड द थर्ड वन इज वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। Now come to the first one, epidermal tissue system. नाम से ही पता लग रहा है epidermis, ऐसा टिश्यू सिस्टम जिसमें epidermis जैसा स्ट्रक्चर along with other structure present है, उसे हम epidermal tissue system कहेंगे। बेटे जी देखिए, system का मतलब क्या होता है? System जो कि एक organization है different parts का। ओके, मैंने कहा है सिस्टम, तो आपके माइंड में मैंने कहा बताइए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम है, तो आप बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑर्गन लेवल से मिलकर बने, लेकिन प्लांट में भी ऐसे सिस्टम होते हैं जो टिश्यू के लेवल पर बने होते हैं, जिन्हें हम टिश्यू सिस्टम कहेंगे। और उसमें से टिश्यू सिस्टम में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट वन एपिडर्मल। जब भी हम रीड करते हैं तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड रीड करते हैं। क्यों बेटा जी? क्योंकि हम डायरेक्ट अंदर तो घुस नहीं सकते। जब भी हम डाइसेक्शन करेंगे, तो जब भी आप डाइसेक्शन करते हैं या आपको कोई भी टीचर एक्सप्लेन करती है, तो पहले बोलती है आउटर पार्ट, देन मिडिल वन, देन इनर वन। तो जो आउटर टिश्यू सिस्टम है प्लांट में वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो अब आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए, सिस्टम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, अब ये टिश्यू लेवल के भी हो सकते हैं और ये ऑर्गन लेवल के एनिमल्स में होंगे। ओके, इट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, स्टोमाटास एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम एंड हेयर। अब ये ट्राइकोम और हेयर्स क्या होते हैं, इन्हें भी मैं बताती हूँ। ओके, ऐसा टिश्यू सिस्टम जो कि प्लांट की आउटरमोस्ट कवरिंग पर या प्लांट बॉडी की आउटरमोस्ट कवरिंग है, उसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे, जिसके अंदर एपिडर्मिस
ओके, स्टोमेटास और कुछ एपिडर्मिस के द्वारा बने गए स्ट्रक्चर जैसे ट्राइकोमोर हेयर आते हैं। ट्राइकोमोर हेयर क्या होते हैं? जब हम किसी भी प्लांट के पार्ट को लें, और जैसे मैंने स्टेम लिया और मैंने जब उसका डाइसेक्शन किया है और मैं जब इसको ऐसे देखूंगी, चलिए ये प्लांट है, इसका डाइसेक्शन हुआ, मैंने इसको ऐसे किया, तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट आउटर मोस्ट कवरिंग मेक अ सिस्टम इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट एपिडर्मल सेल एज वेल एज अ अपेंडेजेस ऑफ एपिडर्मल सेल नोन एज ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होते हैं जस्ट लाइक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं पिरा कोनिकल शेप के, उधर हेयर्स जो होते हैं जस्ट लाइक अ सीलिया, सीलिया जैसे होते हैं। तो आप किसी प्लांट को जब उसके स्टेम को टच करते हो तो आपको रफ अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ न्यूमरस हेयर। ओके, क्लियर? आप इसमें स्पाइन या थ्रॉन्स नहीं ले सकते, वो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, हम यहाँ एनाटॉमिकल लेवल पर बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर? यहाँ पर आपको जो डायग्राम अवेलेबल कराया है, ये डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एपिडर्मल सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? समझ लेते हैं। हमने एक प्लांट कंसिडर किया है, हमने उसे डाइसेक्ट किया है, और डाइसेक्ट हमारा कैसा है? ट्रांसवर्स सेक्शन है, और जब हम उसको देखेंगे तो हमको इस तरीके का डायग्राम अवेलेबल होता है। आप लोगों ने स्टोमेटास के बारे में सुना होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लीफ के अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट अधिकतर आपको स्टोमेटास जो है वो लोअर एपिडर्मिस पे मिलते हैं। ओके, इसके अलावा इस टिश्यू सिस्टम में एक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस एक्सप्रेस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, द स्टोमेटा इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, इसीलिए इस डायग्राम को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये आपको एक्सप्रेस करें कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक्चुअल में क्या है। सिस्टम वर्ड आया मतलब एक सिंगल कोई भी पार्ट नहीं होगा, उसमें और भी पार्ट्स इंक्लूड होकर के सिस्टम बनाएंगे, भूलना मत बेटा जी। ठीक है, एपिडर्मल सेल इलोंगेटेड होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं। अगर हम अलग अलग पार्ट को कंसीडर करें या कॉमनली कहें तो एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर्ड होती हैं। इस एपिडर्मल सेल में आपको बाहर की तरफ एक वैक्सी डिपोजिशन या वैक्सी लेयर का डिपोजिशन दिखेगा, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, एपिडर्मल सेल्स आर इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच फॉर्म आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी कॉल एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर कॉल क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। अब ये सोचने वाली बात है कि रूट में क्यूटिकल क्यों एब्सेंट होता है? बेटा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? अगर मान लीजिए आप अपने आप को कंसिडर करो, ठीक है, वैसे तो प्लांट है, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, तो हमेशा आपको जब से आपका साइंस स्टार्ट हुआ, EVS के रूप में स्टार्ट होता है, तब से बोलते हैं कि पानी जो है वो सिर्फ जड़े ही लेती, पानी सिर्फ जड़े लेती। क्यों लेती? रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब करती, भले ही आप पानी ऊपर से कितना भी डाल दो, एब्जॉर्प्शन रूट ही करेगी। स्टेम कभी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जब वो पानी है ना, जिसको हम बोलते हैं पानी देते हैं पौधों को, तो बढ़िया मस्त सोचते हैं कि ऊपर पत्तों को डाल दो तो जल्दी पानी मिल जाएगा। नहीं, ये जो है ना लॉजिक है, गलत है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी पानी ऊपर से डालेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट ही करेगी। क्यों बेटा रूट करेगी? क्योंकि प्लांट की जो भी पार्ट्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट है उस पर वैक्सीलेयर क्यूटिकल होती है, एंड दिस वैक्सीलेयर इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एज वेल एज आयोन्स। आयोन और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है क्यूटिकल, एंड दिस क्यूटिकल मोस्टली प्रेजेंट इन द आउटर एपिडर्मिस। फॉर एग्जाम्पल लीव्स में आप देख लीजिए। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आई है? और अगर क्यूटिकल है मतलब कि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ये क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट में, इसलिए तो रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। आई बात समझ में? अब याद रखना है, भूलना नहीं, तो पानी देना है तो ढंग से देना है, पानी देना है तो तरीके से देना है, रूट्स को डैमेज भी नहीं करना है, उसका भी एक तरीका होता है। तो आज हमने समझ लिया है कि पानी जो है वो रूट ही क्यों एब्जॉर्ब करती, वाटर का एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट ही क्यों होता है, अदर पार्ट क्यों रूट एब्जॉर्ब क्यों वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मॉडिफिकेशन हो जाता है कि मान लीजिए क्लाइमेट में चेंज हो गया है, या प्लांट के अंदर कुछ चीज़ की कमी आ गई है, तो फिर मल्टीपल फंक्शन शो होंगे। जैसे कि आपने देख लिया है, हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस, उसमें आपको चेंजेस थोड़े से देखने को मिलेंगे। ओके, उसकी रूट जो होती है वो डीप रूटेड हो जाती है, और डीप रूटेड हो जाने के बाद वो पानी की खोज करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पजेस माइन्यूट पोर कॉल स्टोमेटास. ओके, स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ में होंगे. माइन्यूट पोर्स हैं और ये जो स्टोमेटास हैं ये कुछ पार्ट से मिलकर बने होते हैं. स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज गार्ड सेल एंड इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड बाय अ लीफी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सब्सिडाइरी सेल. ओके, इन द गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज वेल एज इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर अ पोर इज अ माइन्यूट पोर इज प्रेजेंट इज नोन एज स्टोमा. तो ये जो मैंने बोला है ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं पर मैंने आपको बता दिया, तो आपको याद रखना स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें माइन्यूट पोर स्टोमेटा होते हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. भाई कितना ट्रांसपिरेशन होगा वो नंबर ऑफ स्टोमेटास पर डिपेंड करेगा, गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है. हवा में प्लांट का कोई माउथ तो है नहीं, आइस तो है नहीं कि उसे दिखा कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसने माउथ से ले लिया, वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन को लेगा. ड्यूरिंग वॉट? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा थ्रू स्टोमेटा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा थ्रू स्टोमेटा. क्लियर? देन हर स्टोमा या हर स्टोमेटा जो है वो दो बीन शेप्ड की सेल से मिलकर बना है. बीन शेप की सेल को गार्ड सेल कहेंगे, ठीक है. और ये हमको डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल अवेलेबल हुआ है, ये आपको डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल बता रही है और ये हमें क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. चलिए क्यूटिकल, क्यूटिकल वैक्सी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस, ऐसा लिख लो बेटा. क्यूटिकल की डेफिनेशन लिखो, अ वैक्सी लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द अपर एपिडर्मिस, ऐसा लिख लो. लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होता, नहीं तो स्टोमेटास कैसे होते बेटा? अब भी बोला मैंने आपको क्यूटिकल क्या होता है, लिख लीजिए. अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द अपर एपिडर्मिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉट, मतलब इतना ही काफ़ी आपके लिए. अच्छा ठीक है, ठीक है, तो लिख लो. अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द अपर एपिडर्मिस इज नोन एज क्यूटिकल. इज नोन एज व्हाट? क्यूटिकल. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. हर स्टोमा में दो बीन शेप्ड रहेंगे. अगर हम डाइकॉट की लीफ हमने यहाँ पे कंसीडर की है और ये डम्बेल शेप रहेंगे मोनोकॉट में, तो ये रहा वो डम्बेल शेप. डम्बेल्स नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, वो जिम में यूज करते हैं डम्बेल, वैसा शेप रहेगा इन मोनोकॉट्स. ओके, और बीन शेप रहेगा किसमें? डायकॉट में, इन डायकॉट. ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने ऑलरेडी, बीन शेप रहेगा डायकॉट में और डम्बेल शेप रहेगा मोनोकॉट में, इसे गार्ड सेल कहेंगे. कुछ केसेस में आप देखते हैं कि कुछ एपिडर्मल सेल गार्ड सेल के अंदर कुछ एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज हो जाएगी और वो क्या बना लेगी? सब्सिडाइरी सेल बना लेगी. फ्यू एपिडर्मल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गार्ड सेल. ओके, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाएगी. इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी जो कि गार्ड सेल के बाहर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्सिडाइरी सेल कहेंगे. ओके, जो स्टोमेटल अपर्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे जो कि गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे और एक पोर बनाएंगे जिसको हम स्टोमा कहेंगे. ओके, गार्ड सेल एंड सब्सिडाइरी सेल ये सारे मिलकर के एक एपरेटस बनाएंगे. जब ये मिल जाएंगे, स्टोमा, गार्ड सेल्स, सब्सिडाइरी सेल्स, फिर कुछ एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है. वेट अ मिनट, ये एपिडर्मल सेल है,
उसी के अंदर धसे एम्बेडेड होते हैं स्टोमेटास। ठीक है, ये आपको जो दिख रही है सब्सिडियरी सेल है, ये जो आपको दिख रहा है ये गार्ड सेल है, और ये जो है ये स्टोमा है। ठीक है, इसे स्टोमा कहेंगे। एक अपर्चर होगा जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, जहाँ से वाटर का लॉस होगा। समझ गए बेटा जी? तो ये डायकॉट का एग्जांपल लिया है, ऐसे मोनोकॉट्स में भी होता है। डायकॉट में हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को यहाँ समझ रहे हैं, मोनोकॉट में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बस गार्ड सेल का शेप बीन शेप की जगह पर डम्बेल शेप होगा। इतना क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। लेकिन एपिडर्मिस कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें एपिडर्मिस के थ्रू कुछ आउटग्रोथ भी दैट मीन्स देखने को मिलती है, और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम ट्राइकॉम्स कहेंगे। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ये क्या है, ये TS बता रहा है। जब एलिस देखूंगी तो सबसे ऊपर मुझे क्या अवेलेबल होगा, एपिडर्मल सेल अवेलेबल होगी, और ये एपिडर्मल सेल में ही आपको इस तरह की आउटग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, और इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है, अगर ये थोड़े से इलॉन्गेटेड लार्जर इन साइज रहते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है ट्राइकोम। ये एपिडर्मल सेल ही इस तरह का प्रोजेक्शन, इस तरह की आउटग्रोथ बनाती है। बात समझ में आ गई? और हेयर्स थोड़े से फाइन और स्मॉल इन साइज रहेंगे। रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द यंग रूट। अब बेटा जी रूट हेयर आ गई, हेयर के बारे में डिस्कस किया है कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो एपिडर्मल सेल्स के द्वारा बनते हैं, जैसे कि रूट में, ओके, रूट में आप यंग रूट के ऊपर रूट हेयर देखते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं, और ये एक एपिडर्मल सेल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसका मेन काम होता है सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। दैट मीन्स हमको एक आउटग्रोथ एपिडर्मल सेल की कहाँ मिलती है, रूट में, और ट्राइकोम जैसा स्ट्रक्चर भी मिलता है। ये ट्राइकोम स्ट्रक्चर जो मिलता है ये आपको शूट में मिले, तो आप ऐसा लिख सकते हो आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर रूट हेयर, हेयर्स लिख देते हैं, रूट हेयर भी नहीं लिखते हम, लिख देते हैं हेयर्स। ठीक है, हेयर्स लिखा है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द रूट, इन द रूट। तो फिर इन हेयर्स को हम क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। ये रूट हेयर हमें, ये हेयर्स हमें रूट में अवेलेबल हो रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है यूनिसेल्युलर, आप लिख सकते हैं इट इज यूनिसेल्युलर इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल। ओके, व्हाई इट इज प्रेजेंट, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। भाई अगर ये स्ट्रक्चर है तो कोई काम का तो होगा ना, ऐसे तो कोई अननेसेसरी कोई स्ट्रक्चर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा, उसका कोई ना कोई रोल प्ले होगा। तो यहाँ पर ये जो रूट, जो हेयर्स है जो एपिडर्मिस की के द्वारा बन रहे हैं, ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर रूट में पाए जाते हैं, इन्हें रूट हेयर कहेंगे, और ये एपिडर्मल सेल का यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, और इनका मेन काम होता है वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। अब ऐसा ही एपिडर्मिस के द्वारा एक और आउटग्रोथ फॉर्म होगी, उसे हम ट्राइकोम कहेंगे, और ये जो ट्राइकोम है, ये ट्राइकोम जो है ये हमें मिलता है इन दी शूट, शूट में यानी स्टेम में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, यूजुअली ये मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल बनेगी। बेटा देखो मल्टी सेल्युलर ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, मल्टी सेल्युलर भी है, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, नो डाउट। ओके,
सॉफ्ट भी होगा, स्टिफ भी होगा, सॉफ्ट होगा, तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा हार्डनेस या बोलते ना प्लांट में रफनेस क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर स्टिफ होगा तो ये क्या करेगा, शूट को रफ अपीयरेंस देगा। ओके, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हार्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है शूट का। और इनका काम क्या होगा, जैसे ये अगर प्रेजेंट है हेयर जो कि रूट में दिख रहा है, और अगर ट्राइक्रोम प्रेजेंट है जो कि शूट में दिख रहा है, तो कोई ना कोई इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। तो इसका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस लिख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। बेटा स्कूल से अगर कोई भी मैसेज आया है तो उसका टेंशन मत लो, आपके मोबाइल से डिलीट नहीं हो जाएगा, है ना। अभी लेक्चर अटेंड कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ओके, लेक्चर अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं चली जाऊँगी फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओ। ओके, और मैंने आपको पहले कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का बाद में रिप्लाई दूँ, ठीक है। अगर हम जब ऑफलाइन में मिलेंगे तब तो हम रिप्लाई देंगे ही, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं, इसलिए प्लीज़ मेरे लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करो, ठीक है। कोई मैसेज आया तो डिलीट नहीं हो जाएगा आपके मोबाइल से, इतना टेंशन लेने लगते हो, यूनिट टेस्ट कब होगी, क्या होगा, अरे कुछ इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा ना यूनिट टेस्ट कब होनी है। हाँ, ये मेंटली प्रिपेयर रहना कि भाई अगर आपके चैप्टर इतने कवर हुए तो यूनिट टेस्ट तो होनी ही है, लेकिन ये टेंशन लेके बैठना कि कब होगी कब होगी, तो जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो आप लोग, ओके। ऐसा थोड़ी ना कि रात को बताएंगे और कल टेस्ट ले लेंगे, ऐसा भी मैसेज नहीं मिलने वाला है आपको, क्लियर। चलिए, तो ये पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम टू द सेकेंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो कि प्लांट को आधार दे रहा है। ऐसे टिश्यू जो प्लांट को क्या देते हैं, बेस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, एक साचा देंगे प्रोवाइड को प्लांट्स को, सॉरी, तो उसे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है, ये डायग्राम हमें सेक्शन कटिंग बता रहा है। हमने एक स्टेम लिया है और स्टेम का जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो हमको यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू का सिस्टम दिखाई देगा। ये जितने भी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी मैं कर चुकी हूँ और अभी प्रेजेंट में कर रही हूँ, ये हमें अपनी नॉर्मल आई से नहीं दिखाई देगा बेटा, जब तक हम इसे डाइसेक्ट ना करें। तो जब डाइसेक्ट किया तो देखा टिश्यू का इको सिस्टम प्लांट में अवेलेबल है, और वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जितने भी टिश्यू है एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मल सेल्स को अगर छोड़ दें तो ऑल आर विच टाइप ऑफ टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, आधार प्रदान करने वाले टिश्यू। एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मल सेल्स को हम छोड़ दें तो जितने भी टिश्यूज पाए जाएंगे ना प्लांट के अंदर, वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के क्या है, पार्टिसिपेंट है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाने वाले टिश्यूज हैं। ये प्लांट को आधार देते हैं, प्लांट की प्लांट बॉडी बनाने में मदद करते हैं। All tissues except epidermis and vascular bundles make the ground tissue and consist of simple permanent tissue such as parenchyma, colenchyma and sclerenchyma। ये जो ground tissue होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये simple permanent tissue से मिलकर बना हुआ ground tissue है, जैसे कि parenchyma, colenchyma, sclerenchyma, ये सब मिलकर numbers में variation आएगा और ये सब मिलकर ground tissue system को बनाएंगे, प्लांट के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, लेगिंग हो रहा है, मैं रुक जाती हूँ, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देख लिया मैंने आपका मैसेज।
स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारे टिश्यू अवेलेबल होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड टिश्यू है वो मेनली सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर बना है, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये भी याद रखिएगा, इनके नेम चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला है पिथ, पिथ जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल है और वो ग्राउंड टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाने में मदद करेगा। फिर मैंने बोला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी एक पैरेन्काइमेटस सेल से या टिश्यू से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। फिर मैंने बोला है हाइपोडर्मिस, तो ये जो है स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर या पार्ट होगा। समझ गए बेटा जी? चलिए आगे देखिए, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उनमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे पैरेन्काइमा यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा, जिसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे, ओके। और ये क्लोरेन्काइमा मीजोफिल सेल्स में रहेगा। सुनेंगे ध्यान से, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये अलग अलग वेरिएशन शो करेगा रूट में, स्टैम में और लीफ में। अगर जब हम लीफ को कंसिडर कर रहे हैं तो लीफ में स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा पैरेन्काइमेटस सेल का जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसा एपरेटस प्रेजेंट होगा और उन्हें कहेंगे मीजोफिल। अभी मैंने आपको कहा था, तो आपको समझना है कि मीजोफिल क्या है। लीफ में ऐसा ग्राउंड टिश्यू जो कि स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना है और जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसे हम मीजोफिल कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम मैंने लिया है, ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम है रूट का। किसका है? रूट का डायग्राम है। जब रूट को डाइसेक्ट करते हैं तो हमको बाहर दिखाई देता है व्हाट, एपिडर्मिस विथ रूट। उसके अंदर आपको ये जो ब्लूइश पार्ट अब दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट। जैसे लिखा है कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना है। फिर इसके अंदर आपको दिखेगा एंडोडर्मिस, ये भी इसी तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर बना है। फिर आपको यहाँ पर ऐसा एक आर्मर शेप दिखाई दे रहा है, इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है जाइलम, ये भी किससे मिलकर बना होगा, ग्राउंड टिश्यू से मिलकर बना हुआ पार्ट। जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, सॉरी, तो जो जाइलम और फ्लोएम उनको छोड़ दो, तो जो बीच वाला पार्ट है जिसको बोला जाता है पिथ, ये किससे मिलकर बना होगा, ये भी बना होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट से मिलकर के, ओके। चलिए इसको आगे देख लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, एक मिनट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ओके। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऐसे टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। इनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ओके। नाम भले पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा नहीं होगा, नाम में चेंज हो सकता है। जैसे पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, एंडोडर्मिस जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा को डिस्कस करें तो हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में कन्वर्ट होगा, स्टैम में, ये स्टैम में होगा। हाइपोडर्मिस जो होता है वो स्टैम में होता है, इन स्टैम, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होगा वो आपको रूट स्टैम दोनों में मिलेगा, लेकिन यही पैरेन्काइमा मीजोफिल में कन्वर्ट होगा, लीव्स में, मीजोफिल के रूप में पाया जाएगा इन लीव्स, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में पाए जाएंगे और प्लांट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। आई बात समझ में बेटा? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है? लेक्चर जो होगा बेटा आफ्टर 12:45 एंड हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा जी? बेटा मन को कंट्रोल करो और पढ़ाई में ध्यान दो। आज मन नहीं लग रहा है
तो मन तो कभी भी नहीं लगता है कुछ बच्चों का पढ़ने में, ठीक है। आज मन नहीं लग रहा तो मन को मना लो और पढ़ लो, ठीक है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई मैजिशियन तो हूँ नहीं कि कोई जादू कर दूंगी और आपका मन लगने लगेगा। आई एम ए टीचर, ठीक है, वो एक अलग बात है कि किसी का मन लगता है किसी का नहीं लगता, तो वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मन लगाओ और प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें दिख नहीं रही है ना, तो मुझे पता है कि जो नहीं दिखता उसको इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमारा इमेजिनेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। हम सोच लें और हम इमेजिन कर लें, हाँ ऐसा होता है। तो ये जो स्किल है ना, ये डेवलप करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के अंदर ये स्किल होना ज़रूरी है। समझ गए बेटा आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन लगाओ, मन को समझाओ और मन को कहो कि यहाँ देखे, ठीक है, और यहाँ से जो भी टॉपिक मैम पढ़ा रही है मन को कहो कि वो समझे। ओके, समझ गए, अब इससे ज़्यादा मुझे समझाना आएगा भी नहीं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। अब अगर जाइलम और फ्लोएम मिल जाए और अगर कोई टिश्यू बनाते हैं, सॉरी टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहें। और ये बात ध्यान रखना है, ये तीनों सिस्टम एक साथ प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि एक कहीं और पाया जा रहा तो एक सिस्टम कहीं और पाया जा रहा है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जस्ट बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा, उसके जस्ट अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा। ये होता है एडजस्टमेंट। कैसे समझ लोगे? याद रख लो बेटा जी, यहाँ पर आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मिलेगा, उसके अंदर रहेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और उसके अंदर रहेगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और पूरा ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। चाहे तो ये रूट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लीव्स का बना सकते हैं, स्टैम का बना सकते हैं, ये आपको तीनों में अवेलेबल होंगे। अब एपिडर्मल के कुछ पार्ट मे बी रूट में प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी लीव्स में या स्टैम में प्रेजेंट होंगे। लीव्स में तो नहीं रहेंगे, स्टैम में रहेंगे। जैसे स्टोमेटा अगर हम देखें तो लीव्स में पाया जाने वाला एपिडर्मल स्ट्रक्चर है स्पेशल। रूट में देखेंगे तो हेयर्स हमने देखी है, शूट में हम देखेंगे तो ट्राइकॉम्स हमने भी समझा है, तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये अलग से कहीं नहीं आ रही, ये एक के बाद एक ही प्रेजेंट है बेटा, हाँ भूलना मत। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके, अब मन ने तुम्हारी बात को समझ लिया है और उसने कहा है कि पढ़ लो। ओके, तो अब ये इसका अरेंजमेंट प्लांट में अलग अलग होगा, और वही अरेंजमेंट या पोजीशन हमें देखनी कि पहले जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा, कि पहले फ्लोएम होगा देन जाइलम होगा। आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा देखा गया है कि इनकी पोजीशन में चेंज आएगा। फर्स्टली जाइलम प्रेजेंट देन फ्लोएम, एंड इन फ्यू केसेस फ्लोएम इज प्रेजेंट फर्स्ट देन जाइलम। ओके, तो उसी के आधार पर इनको डिस्क्राइब किया गया है। It includes vascular bundles which are made up of xylem and phloem. Based on the position of xylem and phloem, vascular bundle are of two type. जिस तरह से xylem और phloem की position है उसके अनुसार vascular bundle को प्रकार दिए गए, type में divide किया है, radial, conjoint और भी है बेटा जी। वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट और भी होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी और वो आप समझेंगे। तो यहाँ पे दो कॉमन हमारे पास टाइप है वैस्कुलर बंडल के। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम जो है वो विद इन अ ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होंगे और अल्टरनेट होंगे। कैसे अल्टरनेट होंगे मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो यहाँ पर ये जाइलम रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लोएम रहेगा। ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम, नहीं समझ में आ रहा है, रेड ले लो। ये रहा फ्लोएम इस तरह से बंच के फॉर्म में, देन जाइलम एक स्ट्रैंड के फॉर्म में, देन फ्लोएम, देन जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो अल्टरनेट मैनर में ग्राउंड टिश्यू में जब वैस्कुलर बंडल्स अरेंज होंगे, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगे, देन सच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज नोन एज व्हाट? रेडियल वैस्कुलर बंडल। ओके, अब क्या जरूरी है सब में ऐसा हो? ये प्लांट की रूट्स में होता है, प्लांट की रूट्स में इस तरह से जाइलम फ्लोएम होता है। स्टेम में मे बी अलग हो सकता है बेटा। कॉन जॉइंट मतलब किस तरीके से साथ में होंगे और कैसे होंगे? जाइलम फ्लोएम जो है ये सेम रेडियस पर प्रेजेंट होंगे, और ये स्ट्रक्चर आपको स्टेम और लीफ में मिलेगा। तो देखिए कैसे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फ्लोएम, और यहाँ पर आपको दिख रहा है आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, आउटर जाइलम, इनर जाइलम। देखो जाइलम और साथ में फ्लोएम, यहाँ क्या हो रहा था? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम,
एक जगह पर सिर्फ फ्लोयम अकेले था, देन जाइलम था, ओके इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जाइलम के साथ में फ्लोयम प्रेजेंट होगा और ये प्लांट के ग्राउंड सिस्टम में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोला कॉन्जॉइंट। ओके द जाइलम एंड फ्लोयम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पे होंगे। अगर हम स्टेम की कटिंग करके देखें तो यहाँ पे जाइलम फ्लोयम एक साथ इस मैनर पे रेडियस पे पाए जाए। ओके तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक हाफ स्ट्रक्चर लिया है, हमने एक स्लाइस ली है सेक्शन कटिंग की, हमने ओवरऑल पूरे पार्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो आपको दिखने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैडम ये क्या है। तो जब आप क्या करते हो, कोई भी स्टेम लेते हो और स्टेम को कट करोगे, कोई भी स्टेम लोगे या लीफ लोगे, चलो स्टेम ले लिया, स्टेम को जब आप कट करोगे और इसको ऐसे देखोगे तो रेडियस जो होगा ना उस रेडियस में साथ साथ जाइलम फ्लोयम अरेंज होंगे, जाइलम के साथ फ्लोयम जुड़ा होगा, जाइलम के साथ फ्लोयम, जाइलम के साथ फ्लोयम, और इस तरह से सेम रेडियस पे एक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके अरेंज होंगे, इसलिए इसे कॉन्जॉइंट कहेंगे। ओके यहाँ पर आपके सामने और भी इसके स्ट्रक्चर अवेलेबल है, देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने सेक्शन कटिंग आपको बताया था वही एक्चुअल में ये इमेज है। इसे ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो है डाइकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट स्टेम है। तो देखो अधिकतर स्टेम जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती हैं, तो हमने यहाँ पर वही इमेज ली, सिलेंड्रिकल इमेज। आपका स्टेम ऐसा है, इसको आप ऐसा कर दीजिए सेक्शन कटिंग, तो जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ये रहा। तो एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, एक मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। तो डाइकॉट में आप देखेंगे तो बीच में ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिथ, और वहाँ पर इस तरीके से डाइकॉट के स्टेम में जाइलम फ्लोयम अरेंज होंगे। ये रहा जाइलम, उसके साथ ये रहा फ्लोयम, जाइलम देन फ्लोयम, जाइलम देन फ्लोयम। तो एक सेम रेडियस पर ये एक दूसरे के साथ अटैच है, सेम रेडियस में है, ठीक है समझ गए बेटा जी, एक साथ है, अकेले नहीं है, अलग अलग सेम रेडियस शो कर रही हैं एक साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा जी, कॉन्जॉइंट कहें। ये देख लीजिए ओके, और बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये बना लीजिए। ठीक है समझ गए होंगे शायद आप मेरी बात, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, ट्राइकोम बताना है ना। अरे बेटा लैगिंग का तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती उसको लेके बेटा, वो टेक्निकल इशू है ना, उसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है। ओके फिर हम कितना वेट करेंगे, और मुझे मैं क्या है कुछ क्राइटेरिया रहता है कि इतना तो कवर होना चाहिए, मेरे बच्चे होना चाहिए। ओके फिर से बता देती हूँ, ट्राइकोम, ट्राइकोम इज अ मल्टी सेल्यूलर सॉफ्ट और स्टिफ स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल प्रेजेंट इन द स्टेम। ओके द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल विच इज मल्टी सेल्यूलर एंड विच मे बी सॉफ्ट और स्टिफ एंड प्रेजेंट ओनली इन द शूट पार्ट, ओके इज नोन एज ट्राइकोम। क्लियर अर्पित, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं ना, तो हमने क्या किया, स्टेम लिया, इसको ऐसा किया, कट किया, तो देखा कि स्टेम में आपको एपिडर्मल सेल भी मिल रहा है, ग्राउंड टिश्यू भी मिल रहा है, और उसमें इस तरीके से वैस्कुलर बंडल्स जो हैं सेम रेडियस पर अरेंज है, तो उसे कॉन्जॉइंट कहेंगे। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, स्कैटर्ड दिखाई दे, बिखरे हुए रहते हैं, ओके लेकिन कॉन्जॉइंट रहेंगे। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड ओपन। अगर मान लीजिए जाइलम और फ्लोएम के बीच की स्ट्रिप पाई जा रही, इस तरह से जाइलम फ्लोएम के बीच में पट्टी या स्ट्रिप पाई जाती है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैम्बियम, अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है इन केस ऑफ डाइकॉट बेटा जी, तो इस तरह के कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल को हम ओपन कहेंगे। बाद में जाकर ये एनुलर रिंग बनाता है, जो हम जब पेड़ का तना काटते हैं तो उसमें इसको एनुअल रिंग कहते हैं, वही हमें बताती है कि जो ट्री
ठीक है, वो इसी के वजह से बनती है, कैम्बियम के वजह से। कैम्बियम एनुअल रिंग बना लेता है और यही एनुअल रिंग जो है वो हमें डिज़ाइन के फॉर्म में दिखते हैं, हम बोलते हैं कि इतना सुंदर लग रहा है। एक्चुअल में वो हमें एज बताता है ट्री की। समझ गए कि बेटा, चलिए आगे देखें। अब अगर मान लीजिए कैम्बियम जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है, अभी बताया सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल। कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट है मतलब उस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होनी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है उसका आपको मॉडिफाइड फॉर्म दिखेगा, जैसे ट्री। आपने देखा कोई ट्री अपने आप में पहले से ट्री बनता है क्या? नहीं, पहले उसकी जो ग्रोथ होती है, जो शुरुआत में आपको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं कि वो छोटा सा नन्ना मुन्ना पौधा रहता है, फिर धीरे धीरे वो झाड़ी में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे उसके जो स्टेम है वो ट्रंक में कन्वर्ट होने लगती है और उसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न में चेंज आ जाता है, और जब उसमें इस तरह की ग्रोथ दिखेगी तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब ध्यान से देखना, तो बेटा दिखने में तो बड़े आसान लगते हैं हमें ये, लेकिन जब हम इन्हें एनालाइज करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ट्री में, श्रब में और हर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखें कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, एबिलिटी है कि ये जाइलम और फ्लोएम को सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कन्वर्ट या मॉडिफाई कर देगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में। फॉर एग्जाम्पल डायकॉट स्टेम, डायकॉट स्टेम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है। अब अगर कैम्बियम नहीं है वैस्कुलर बंडल में और मान लीजिए इस तरह से जाइलम फ्लोएम अरेंज एक साथ ही प्रेजेंट है, तो इस तरह के कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल को क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा जी? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, नहीं तो आगे बढ़े। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई नो सोमेश की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेकिन हम अपना लेक्चर मिस नहीं करेंगे, है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, नो डाउट, वेरी गुड। तो ये रेडियल का मैंने आपको कैम्बियम का जो एक्चुअल में जो रोल है वो बताया है, को कॉन्जॉइंट बायकोलेट्रल, और हम इस तरह के और स्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो कॉमनली हम देखते हैं वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट वो हमने देखा है, एक रेडियल हमने देखा है, कॉन्जॉइंट हमने देखा है, लेकिन इसके अलावा भी वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा देखने को अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादा जो अवेलेबल होगा टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल वो होगा रेडियल, ठीक है, क्या होगा? रेडियल होगा और कॉन्जॉइंट होगा, ओके, और कॉन्जॉइंट होगा, ओपन या क्लोज होगा। बट नेचर में इसके अलावा भी कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड, ठीक है। देखो आप खुद देख लो, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम जाइलम इज नोन एज कॉन्जॉइंट, ओपन टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट, और अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, जैसे मोनोकॉट्स कंसिडर कर लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट, क्लोज्ड टाइप का। अब कोलैटरल का मतलब क्या होता है? ये बायकोलैटरल का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, अगर कैम्बियम की एक ही वैस्कुलर बंडल में दो कैम्बियम की स्ट्रिप जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर अगर आपको अवेलेबल होंगे तो उसको कॉन्जॉइंट बायकोलैटरल कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा देख लीजिए। ये स्टेम ले लिया, स्टेम में यहाँ आप देखेंगे कि एक कैम्बियम इधर है, एक कैम्बियम इधर है, ये रहा फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम, और बीच में रहा जाइलम, और इसके आसपास यहाँ पर ये रही कैम्बियम की रिंग या स्ट्रिप इस तरीके से, तो उसे बोलेंगे कॉन्जॉइंट
बायकोलेटरल, ठीक है। इतना वैसे बाद में बाय शाय करेंगे, अभी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन कोसेंट्रिक एम्फी क्राइबल और कोसेंट्रिक एम्फी वेसल क्या है, ये भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कम देखने को मिलता है लेकिन इसे हमें समझना है। जब जाइलम को पूरी तरह से फ्लोएम कवर कर ले, जब जाइलम को फ्लोएम पूरी तरह से कवर कर लेता है तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को या टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल को हम कॉन्सेंट्रिक या एम्फीक्राइबल कहते हैं। और जस्ट अपोजिट देख लो कि फ्लोएम को जाइलम कवर कर रहा है तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक एफिवेसल। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर में और उसके आसपास कुछ कवरिंग है। ओके, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सबका सेंटर एक, ये सेंटर है और इसका भी सेंटर जो है यही है और इस तरह के स्ट्रक्चर का सेंटर भी यही, तो उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। अभी कहीं नहीं जाना है बेटा, अभी यहीं रहना है। ओके, चलो, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये सेंटर, इस सर्कल का भी यही सेंटर है और इस सर्कल का भी यही सेंटर, तो कॉन्सेंट्रिक इसे कहा जाता है, ठीक है, समझ गए बेटा। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स भी मिलते हैं लेकिन कॉमनली आपको ये वाला, ये और ये वाला टाइप ज़्यादा देखने को मिलेगा, समझ गए। तो ये है आपके वेस्कुलर बंडल के टाइप, मिल करके क्या बनाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, तो ये तीनों के तीनों सिस्टम जो है वो किसके लिए बताए हमने, हमने प्लांट में देखा है कि टिश्यूज़ हैं और ये टिश्यूज़ मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, इन्हें टिश्यू सिस्टम कहेंगे। जिस तरह की पर कैटेगराइज किए गए, मोस्ट सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और वैस्कुलर, वाटर मिनरल फूड का कंडक्शन करेंगे वो वैस्कुलर बंडल लीव जैसे स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, पर थोड़ा सा नेम में। ओके, बाकी तो रहेगी पर उनका फॉर्मेशन अलग होगा, है ना। चलिए, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी वाले एक टॉपिक को। अभी बाय बाय नहीं बोलना बेटा जी, अभी यहीं रहना है, कहीं गायब नहीं होना है, ठीक है। अभी टॉपिक बचा है, ठीक है। तो अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एनाटॉमी ऑफ प्लांट ऑर्गन। हम यहाँ पर अलग अलग प्लांट ऑर्गन कंसिडर करके उसकी एनाटॉमी देखेंगे, मतलब अंदर से कैसा वो ऑर्गन दिखता है। जैसे मैंने बोला है रूट, शूट या स्टेम बोल दीजिए, लीव्स देख लीजिए। फ्रूट एंड फ्लावर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे,
फ्रूट जो है उसका हम डिस्कशन शॉर्ट में देख चुके हैं, इवन हम फ्लावर के बारे में भी समझ चुके हैं। तो यहाँ जो हमारा डिस्कशन होगा वो वेजिटेटिव पार्ट्स के लिए होगा। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं भाई? रूट स्टेम लीफ है, तो हम रूट स्टेम लीफ को यहाँ पर कंसिडर करेंगे और उसकी एनाटॉमी को समझेंगे। तो पहले जो यहाँ पर आपको एनाटॉमी गिवन है ये है रूट्स के लिए। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बेटा जी, सुन लीजिए ध्यान से, इंटरनल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन की जब आप इंटरनल स्टडी करते हो या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी को डील करने के लिए बायोलॉजी की ब्रांच होती है एनाटॉमी। अगर आप टिश्यू लेवल पर डिस्कस कर रहे हो तो उसे हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ एनाटॉमी आप देखोगे तो अब हमें यहाँ पर वो टिश्यू सिस्टम दिखाई देंगे अलग अलग मैनर में। किस तरीके से देख लीजिए, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, रूट को कंसिडर करेंगे या रूट के बारे में समझेंगे। द एनाटॉमी ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स कैन बी कन्वीनियंटली स्टडीड फ्रॉम द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन। तो हमें जब इनकी एनाटॉमिकल स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर को देखना है, तो हम इनका TS यूज़ करते हैं। TS मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसे बनेगा देख लीजिए बेटा जी, हमने रूट ली है तो ये रूट समझ लीजिए। रूट का मैंने इस तरह से टर्न किया और जब सेक्शन कटिंग किया तो मुझे ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा जी। और उस सर्कुलर स्ट्रक्चर की एक स्लाइस को हम यूज़ कर और इसको यूज़ करके हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। समझ में आए ये डायग्राम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डायग्राम में? कोई डाउट तो नहीं है? कैसा है ये डायग्राम? इतना खतरनाक जो डायग्राम दिख रहा है इसका मतलब ये है कि हमने एक रूट ली है भाई, ये तो रूट समझ लेना है हमको, एक्चुअल में भी है नहीं, हमने इसको ऐसा किया। जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन TS सेक्शन कटिंग की तो जो अब आपको इमेज अंदर दिखेगी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी प्रॉपर नहीं दिखाई देती, लाइट माइक्रोस्कोप से भी उतनी प्रॉपर नहीं दिखाई देगी जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखती है। जब हम इसको देखेंगे तो हम ओवरऑल पार्ट को कंसिडर ना करते हुए एक स्लाइज लेंगे और वही स्लाइज ये इस फॉर्म में अवेलेबल है, इस रूप में यहाँ पर इमेज में ली गई है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, रूट ले रहे हैं। सबसे पहले हम रूट को समझ रहे हैं। हमने यहाँ पे जो रूट ली वो किस टाइप की है? डायकॉट रूट है। कैसी रूट है बेटा जी? डायकॉट रूट है, देख लीजिए आप लोग। डायकॉट रूट जो हमने यहाँ ली है वो कौन से प्लांट के लिए? सनफ्लावर के लिए। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रूट है वो डायकॉट का कौन सा रूट है? सनफ्लावर की रूट है। हमने यहाँ सूरजमुखी के फूल की जड़ों को, सूरजमुखी के पौधे की जड़ों को लिया है, रूट को लिया है, और ये एक यंग डायकॉट रूट है जिसमें हमको अलग अलग तरीके से टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो पहला टिश्यू सिस्टम जो आपको इमेज में अवेलेबल है, ये जो आपको दिख रहा है ये टिश्यू सिस्टम क्या है? एपिडर्मिस वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो देखो मिल गया एपिडर्मिस आपको, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है और उसमें आपको यूनिसेलुलर हेयर्स यानी रूट हेयर अवेलेबल होगी। ये रूट हेयर रूट में ही प्रेजेंट होगी इसलिए इसको रूट हेयर कहा है, या आप इसको यूनिसेलुलर हेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही सेल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। और ये सेल का स्ट्रक्चर बनाता कौन है, ये यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाता कौन है? एपिडर्मिस। कुछ एपिडर्मल सेल जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं रूट हेयर में, जो कि सिंगल्ड होती है ना, यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एपिब्लेमा भी कहते हैं या एपिडर्मिस भी कहते हैं। अब जब हम सेक्शन कटिंग में देख रहे हैं तो हम बाहर से अंदर की तरफ की स्टडी करते हैं, तो देखिए इस तरह से रीड करा तो हमें फर्स्ट जो मिला वो कौन सा टिश्यू सिस्टम मिला? एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमें क्या दिखाई दिया? एपिडर्मिस विथ रूट हेयर। देयर इज नो क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस बिकॉज दिस स्ट्रक्चर शोन द रूट सेक्शन। रूट में क्यूटिकल नहीं होती, अभी कहा था। देन कम टू द फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जब हम आए तो हमने क्या देखा? देयर इज ए पैरेन्काइमेटस सेल अरेंज्ड इन व्हाट? इन अ रैंडम मैनर में अरेंज है। और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है मेक अ ग्राउंड सिस्टम टिश्यू सिस्टम, एंड विच काइंड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के प्रकार में यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल
न्यूमरस फॉर्म में, नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बना रही है। तो ये डायग्राम में फिर हम अंदर तक गए तो हमें यहाँ पे दिखाई दिए जो रेडिश पार्ट है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना है और इसका यहाँ पर स्पेशल नेम है कॉर्टेक्स। तो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होगा जो सिंगल लेयर्ड है, एक ही लेयर के द्वारा बना है। मैंने अभी आपको बताया था हमारे स्टेटमेंट में कि एपिडर्मस जस्ट मोस्टली केस में या बोल सकते हैं जनरली सिंगल लेयर्ड होता है। इसमें आपको बहुत सारी सेल्स एपिडर्मिस की आउटग्रोथ शो करते हुए किस फॉर्म में दिखाई देगी, रूट हेयर के फॉर्म में दिखाई देगी और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर क्यूटिकल एब्सेंट होगी बिकॉज यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए क्यूटिकल नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। अदरवाइज पानी जब मिलता ही नहीं तो प्लांट ग्रो करता नहीं, लेकिन उसे पानी मिल रहा है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके एक मिनट रुक जाओ ना भाई, 12:45 हो गया तो मतलब उठ के चले जाओगे क्या? अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ थोड़ी ना जाएगा, थोड़ा सा और सुन लो। कॉर्टेक्स जो होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। जो रेड आपको पार्ट दिख रहा है एक्सप्रेस द कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस जो है ये आपको कॉर्टेक्स के जस्ट बाद में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर होता है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर्ड और बेरल शेप की सेल होती है एंडोडर्मिस। इसके अंदर आपको एक वैक्सी मटेरियल का स्ट्रिप मिलती है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं और यहाँ पर कुछ दीवारें आपको दिखाई देगी जो आगे जाके रूट के दूसरे फंक्शन में एक्टिविटी में परफॉर्म करेगी, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है ये आपको उस टाइम पे पता लगेगा कि जो रूट है उसका एब्जॉर्प्शन दो पाथ में होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, वहाँ पर इस कैस्पेरियन स्ट्रिप का रोल होगा, तब हम इसको समझेंगे। तो आप लिख सकते हैं आपका जो चैप्टर रहेगा कौन सा, आपका चैप्टर रहेगा प्लांट ट्रांसपोर्टेड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसमें हम समझेंगे, ठीक है। बस ये वेट कर लो, इतना और समझ लेते हैं फिर मैं ओवर कर दूंगी अपने लेक्चर को। पेरिसाइकल, आपको एंडोडर्मिस के जस्ट बाद में एक और साइकिल दिखाई देती है अंदर। साइकिल नाम है मतलब साइक्लिक मैनर में सेल अरेंज दिखाई देती है। ये पैरेन्काइमेटस सेल होती है लेकिन इसकी दीवारें थोड़ी सी मोटी होती है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, उसे हम कहेंगे पेरिसाइकिल। और ये एंडोडर्मिस के जस्ट बाद में ही प्रेजेंट होगी, याद रखना, भूलना मत, नहीं तो पहले पेरिसाइकिल कर दो देन एंडोडर्मिस कर दो। ओके इसके बाद आपको जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है दैट एक्सप्रेस द वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ये जाइलम है, ये जाइलम 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 देन फ्लोएम, अल्टरनेट मैनर में अरेंज है। अब यहाँ पर हम समझेंगे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या है। मेटाजाइलम जिसका आपको डायमीटर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, जैसे डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरीके से, देखिए डायमीटर में चेंज आएगा, तो यहाँ मेटाजाइलम टूवर्ड सेंटर दिखेंगे और प्रोटोजाइलम टूवर्ड पेरिफेरी टूवर्ड पेरिसाइकल दिखेंगे। ओके मेटाजाइलम टूवर्ड द सेंटर, प्रोटोजाइलम टूवर्ड द पेरिसाइकल एंड दिस जाइलम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर विथ फ्लोएम। सो दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज शोन विच काइंड, रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे लिखा है वेस्कुलर बंडल रेडियल होंगे, इसमें दो या चार, जैसे हमें चार जाइलम चार फ्लोएम दिखेंगे तो टू टू फोर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मोनोकॉर्ड में होते हैं सिक्स, मोनोकॉर्ड रूट में सिक्स होते हैं। ओके यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रेडियल होंगे, इनमें दो या चार जाइलम फ्लोएम जो है वो अल्टरनेटली बंडल्स में अरेंज होंगे। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको लाइटिश ब्लू कलर की जो सेल दिख रही है पैरेन्काइमेटस सेल होगी और इस सेल को हम कहते हैं कंजक्टिव पैरेन्काइमा। ओके पिथ आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा, ये बहुत ही स्मॉल पैरेन्काइमेटस सेल है। पैरेन्काइमेटस सेल बहुत सारी जगह है लेकिन इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे जो आपको इस तरह से दिख रही है इसे हम कंजक्टिव पैरेन्काइमा कहेंगे और जो मेटाजाइलम है वो जहाँ टूवर्ड द सेंटर एग्जिस्ट कर रही है उस सेंटर पर भी आपको पैरेन्काइमेटस सेल मिल रही है लेकिन उनका साइज थोड़ा सा स्मॉल है, उन्हें कहा जाता है पिथ। तो पिथ बहुत ही स्मॉल
पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं और ये जो होती हैं ये एंडोडर्मिस की जस्ट इनर साइड में, यानी कि अगर हम पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर में प्रेजेंट होने वाली सेल होती हैं। बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल्स ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम स्टील कहते हैं, ठीक है। और ये स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन आपको टेरिडोफाइट में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आपका जो टाइम लिमिट है ना वो कम्प्लीट हो चुका है ना, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:15 हो चुके हैं मैडम, ओके। तो अब 1:15 से ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है क्योंकि हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना ज़रूरी, ओके। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, आप तो सिर्फ बाय कहोगे, है ना, ठीक है बेटा जी। तो फिर हम कल इस टॉपिक को, अब हम यहाँ मोनोकॉट रूट को लेकर के हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम।